आईडी की चपेट में आने से एसटीएफ का जवान मोहन सिंह नांग घायल हो गया था। इलाज के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। उसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को सड़क मार्ग से उसके गृह ग्राम बड़े डोगर लाया गया, जहां प्रभारी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, स्थानीय विधायक संत नेताम, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने शहीद जवान के पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अपने वीर सपूत मोहन नांग के अंतिम दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। सिद्धार्थ जवान की शव यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने शहीद जवान के अमर रहने का नारा भी लगाया। मोहन सिंह नाग जी छत्तीसगढ़ की देश की रक्षा करते करते बम ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। इनका जाना हम सब के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। इनकी कमी हम सबको खलेगी और सरकार, हमारी सरकार इनके परिवारजनों के साथ है और जो भी बात होगी सरकार अपने स्तर पर करेगी। कहीं ना कहीं आज जो हालात बने हैं उनके लिए, आज जो नक्सली गतिविधियाँ बढ़ जो के कारण जो उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे, सरकार उसका डटकर मुकाबला करेगी और ऐसी ताकतों से हम मुकाबला करेंगे। आज हम सब यहाँ पे शहीद मोहन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में वह शहीद हुए, वह एसटीएफ के ना मेंबर हैं। साथ ही साथ मैं अपने तरफ से, पूरे सरकार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी से प्रार्थना करता हूं कि इनके पूरे परिवार को सहन शक्ति दे। साथ ही साथ इनकी ये भी बोलना चाहूंगा कि इनकी कमी तो ना कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अपने तरफ से और सरकार के तरफ से इनके परिवार के लिए 5 लाख की मैं घोषणा करता हूँ, ताकि इनके परिवार आगे चल के भविष्य में एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कोई ऐसा ठोस कदम उठाना होगा कि आतंकी घटना बंद और जवान शहीद ना? हाँ, जब से हमारी सरकार बनी है तब से निरंतर नक्सली गतिविधियों में कमी देखने को मिली है पूरे बस्तर संभाग में। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा अपने तरफ से, सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से, कि आने वाले समय में नक्सल गतिविधियों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा।